mil of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3. अगेन हम इसको दो तरीके से देखेंगे, एक CBSE तरीका और एक एंट्रेंस तरीका। सो अब सीबीएसई वे इसका क्या है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर है, हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर है जिसमें Na2CO3 और NaCl है। Na2CO3 और NaHCO3, इन दोनों का मास इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, तो लेट दिस बी एक्स ग्राम्स, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स ग्राम। मैं बोल सकता हूं अगर एक एक्स ग्राम है तो दूसरा 1 माइनस एक्स ग्राम होगा। ठीक है, अब वो बोला गया इन दोनों के इक्वी मोलर अमाउंट है, इक्वी मोलर अमाउंट है ये भी मान लेते हैं। चलो तो इक्वी मोलर अमाउंट है मतलब इन दोनों के मोल्स इक्वल हैं, तो लेट मी फाइंड मोलर मास ऑफ बोथ। ठीक है, मोलर मास ऑफ Na2CO3 निकाल लेता हूं और वो है 23 × 2 = 46 प्लस कार्बन 12 प्लस 3 × 16 48। तो दिस कम्स आउट टू बी 46 प्लस 12 प्लस 48, दिस कम्स आउट टू बी 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, और NaHCO3 का भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं, तो वो आया 23 + 1 प्लस कार्बन इज 12 + 48, तो 24 प्लस 12 36, 36 और 48 कितना हुआ इसका मूल मास। और 48 इट कम्स आउट टू बी 84 ग्राम पर, दोनों के मोलर मास निकाले। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं एज सॉल्यूशन इज इक्वी मोलर, एज एज मिक्सचर इज इक्वी मोलर, मिक्सचर क्योंकि इक्वी मोलर तो आई कैन से मोल्स ऑफ Na2CO3, मोल्स ऑफ Na2CO3 इज गिवन मास दैट इज एक्स डिवाइड बाय 106 इज इक्वल टू 1 - x बाय 84। ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaHCO3 राइट। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं बस, तो मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इट विल बिकम 106 माइनस 106 x। ठीक है, अब ये हो गया 106, वहां जाके 190 x इज इक्वल टू 106, x इज इक्वल टू 106 बाय 190। ठीक है, और इससे मेरे पास एक्स आ जाएगा और एक्स आ गया मेरा कितना, 0.56 ग्राम। ठीक है, अब मेरे पास आ गया एक्स, आ गया 0.56 ग्राम, यानी कि एक का मास आ गया। अब मैं रिएक्शन बनाता, रिएक्शन बनाऊंगा NaHCO3 की और Na2CO3 की, Na2CO3 और NaHCO3 दोनों किससे रिएक्ट कर रहे हैं, HCl से।
हमें पता है ये देते क्या है, NaCl, दोनों NaCl देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, राइट। तो बैलेंस कर दें अगर हम, फिर 2 NaCl हो जाएगा, 2 HCl हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल HCl, या फिर मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ Na2CO3 रिक्वायर 2 मोल HCl। कितने मोल HCl रिक्वायर करते हैं? 2। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ NaHCO3 रिक्वायर 1 मोल ऑफ HCl, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास मोल्स कितने हैं, मोल्स अगर मैं सपोज किसी के भी निकाल लूं, क्योंकि दोनों इक्विमोलर हैं, मेरे पास गिवन मास था, तो मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू गिवन मास 0.56 बाय मोलर मास, दैट इज 106। तो मेरे पास कितने मोल्स थे? मेरे पास मोल्स थे 0.56 डिवाइड बाय 106, मेरे पास मोल्स थे 0.0052, 53। मैं सही हूँ ना? 0.56 डिवाइड बाय 106, ठीक है। अब दोनों के मोल्स तो बराबर हैं, ठीक है। सो 0.053 0.0053 Na2CO3 और NaHCO3, क्योंकि इक्विमोलर मिक्सचर था, ये कितने रिक्वायर करेगा? डबल। सो दैट विल बी 0.0106, और ये कितना होगा? 0.0053 मोल्स इसके और मोल्स इसके। तो टोटल HCl रिक्वायर कितना हुआ? टोटल HCl रिक्वायर हुआ 0.0106 प्लस 0.0053। दिस विल बी माई टोटल कितना हो जाएगा? ये 0.0159 मोल्स ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। अभी मुझसे पूछा है, मोलैरिटी गिवन थी मुझे, मुझे क्वेश्चन में मोल्स ऑफ एच, मुझसे पूछा गया कितने वॉल्यूम चाहिए, क्वेश्चन में पूछा है वॉल्यूम ऑफ HCl निकालो। व्हेन मोलैरिटी ऑफ HCl इज गिवन, मोलैरिटी कितनी गिवन है? 0.1 मोलर। तो इसी के हिसाब से अगर तुम्हें मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ, या वॉल्यूम, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स अपॉन मोलैरिटी। तो हमारे पास मोल्स आ गए हैं HCl के, तो वॉल्यूम ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.0159 डिवाइड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है? 0.1। सो आवर आंसर विल बी 0.0159। दिस इज ml। अच्छा, दिस इज लीटर, और अगर इसे ml में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1.59 ml इज आवर आंसर। मुझे बताओ ये CBSE का तरीका समझ आया, येस और नो?
हम एंट्रेंस वे पे जाते हैं। ठीक है, इस पूरे काम में सीबीएसई के तरीके में मुझे लगे 9.5 मिनट, मतलब 9 मतलब 10 मिनट्स लगे। ठीक है, अब हम आते हैं एंट्रेंस के तरीके पे। ठीक है, एंट्रेंस के तरीके पे आते हैं कि अगर हमें यार एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आ जाता, जो कि आ सकता है, टफ क्वेश्चन आते ही, तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्विकेस्ट वे में सॉल्व करने का तरीका है ग्राम इक्विवेलेंस की कंसेप्ट से। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है ग्राम इक्विवेलेंस, दिस कैन बी डन बाय कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। बट ये ग्राम इक्विवेलेंस का कंसेप्ट अभी मैंने तुम्हें कराया नहीं है, इसकी क्लास है ट्यूसडे को 12 बजे, क्योंकि हमारा ग्राम इक्विवेलेंस अभी कवर नहीं हुआ। ठीक है, अब बात आती है अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट की कंसेप्ट को ना यूज करूं, क्योंकि वो मैंने तुम्हें समझा नहीं रखा, तो भी और तरीके हैं इस क्वेश्चन को इजीली करने के। ठीक है, व्हाट यू कुड डू इज तुम यहां पर कर सकते थे, लेट मी थिंक ग्राम इक्विवेलेंट के बिना कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट यू कुड डू इज तुम ये बोल सकते थे कि इसके अंदर तुम मास से क्वेश्चन कर सकते थे, तुम सीधा मास का यूनिटरी मेथड लगा सकते थे। फॉर एग्जांपल, यू कुड से 84 ग्राम्स ऑफ, देखो ये स्टोइकोमेट्री कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं, हम इन दो रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक और मैं बोलता अगर मैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखूं तो 80 इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आई कुड से 106 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ HCl। सिमिलरली ठीक है, अगर मैं NaHCO3 का देखूं तो आई कैन से इसके 84 ग्राम्स आई कैन से 84 ग्राम रिक्वायर 1 मोल HCl। ठीक है, सिंस ये इक्विमोलर मिक्सचर है, तो यू कुड से Na2CO6 2 मोल रिक्वायर करते हैं, इसके 84 ग्राम 1 मोल रिक्वायर करते हैं। अब इसको और बेटर क्विकर वे में कैसे करें विदाउट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वो मैं सोच रहा हूं। और एक यूनिटरी मेथड लगाते हैं इसको, तो कैन आई से 106 ग्राम रिक्वायर 2 मोल्स, अच्छा ऑलराइट, चलो मैं इसको ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बाद ही तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, वैसे ही 5 मिनट्स आर लेफ्ट, ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आई विल कवर ऑन ट्यूजडे।